actions across the city, various demolitions are happening. We see that, you know, there's some various parties are engaging in a controversies wherein one party is saying that, you know, the Congress leaders, buildings are not being demolished, whereas the Congress is questioning the BRS, what they have done all these years. आपको क्या कहना है बीजेपी की तरफ से? सो ये कांग्रेस बीआरएस का कहानी नहीं होता है, ये कहानी शुरू हो गई 1994 में, जब दी देन चीफ मिनिस्टर कोटल विजयभास्कर रेड्डी चीफ मिनिस्टर था आंध्र प्रदेश को, जब ओल्ड सिटी में भाग्यनगर में एक टैंक था मीरालम टैंक बोल के, वो टैंक कब्जा हो गए बोले तो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बाय नेम रेचल चटर्जी वाज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर टू डिमोलिश ऑल द इलीगल कंस्ट्रक्शन दैट वर मेड इन मीरालम टैंक। जिस दिन मीरालम टैंक में कब्जा हुआ था, जब चीफ मिनिस्टर कोटल विजयभास्कर रेड्डी ने एक ऑर्डर देकर पूरा मीरालम टैंक को शुद्धि करके रखा था, जो रेचल चटर्जी ने डिसमेटल कर दिया। आज मैं ये पूछना चाह रहा हूं केटीआर को, रेवंत जी को, नहीं तो पोंगलेटी को, फिर आज मीरालम टैंक है क्या हैदराबाद में? पानी आ रहा उसमें? नहीं रह रहा, मीरालम टैंक किच नहीं है। ऐसा तेलंगाना हाईकोर्ट हैज आइडेंटिफाइड 2525 लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स विदिन द एचएमडीए लिमिट एंड दे आस्क टू प्रोटेक्ट द बफर जोन ऑफ दीज एरियाज, कुछ भी नहीं कर रहा। 10 साल तेलंगाना आने के बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर केटीआर था, उसका जमाने में उन्होंने म्युनिसिपल मंत्री रहने के बाद इतना पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर दिखता, हमारा गूगल मैप दिखता बोल के बोलने वाला आदमी का जमाने में हजारों का लेक्स एंड टैंक्स वर बीइंग एंक्रोच्ड। अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डिसमेटल एक एक्शन, डिसमेटल के अलावा आप मिनिस्टर रहे इस टाइम में कितना इलीगल एंक्रोचमेंट हुए उसके ऊपर आपको क्यों एक्यूज नहीं बना सकते? यू शुड बी मेड एज ए फर्स्ट एक्यूज, देन ओनली इन फ्यूचर देर विल नॉट बी एनी एंक्रोचमेंट इन हैदराबाद। Sir, today we saw that the intervention has also been demolished, and so we saw that, you know, Nagarjun approached the High Court and he said that they'll proceed with legal action. There is alleged rumors that a stay has also been given. How do you see the whole law? See, originally the N convention, there was a case that went in the High Court. High Court, while disposing that petition, what it has said is to demarcate and dislocate if there is some encroachment in N convention. It is clearly and categorically that Tahsildar has submitted a report in the year 2014. Since then, Mr. KTR protected Mr. N convention owners. And today, when the Hydra has done that work and now they are saying there is a stay. What for stay? How many years the stay will be there? Yes, my question is straight to the judiciary. Today you have given a stay and you are continuing the stay for 14 years. Is this the judiciary want to say the message to the society? This is not acceptable, my lords. You have to review it in 1 month. Or 30 days, or 60 days, or 90 days, dispose the petition. 2014 से लेकर आज तक स्टे रहता, ये क्या अदालत है और क्या है? तो उन्होंने एक एक फंक्शन को करोड़ रुपए कमा रहा, आप लोगों का स्टे के नाते उन्होंने एक लेक को एंक्रोच करके 4 एकड़ कब्जा करके एक फंक्शन में 1 करोड़ रुपए कब्जा कमीशन का उन्होंने कमा ले रहे, तो क्या है, किसको जा रहा पैसा? मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट से ये भी विनती कर रूं, वो पूरा पैसे रिकवरी करो, ये 10 साल का रिकवरी करके हैदराबाद में जितना भी फ्लड्स में लोग मर गए उन लोगों का फैमिलीज को दे बोलो, देन इट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी। सो राहुल गांधी सीधा नहीं मिला था, मैं दिल्ली गया था 2 दिन के पहले, मैं तेलंगाना में एक प्रेस मीट लगाया था, एक एमपी के नाते 18th लोकसभा में आप एक एमपी है, आप कुछ फॉरेन पेपर को रिले होके कुछ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, नहीं दुनिया में पूरा जगह धरना करो, ये करो, गवर्नमेंट को ब्लेम करो बोल के कुछ कांग्रेस पार्टी हैज टेकन ए स्टैंड। मैं बोल रहा हूं आप एक पेपर सुना, आपको ये पेपर पसंद आया, आप एक सांसद, मैं भी एक सांसद हूं, मेरे को ब्लिट्ज बोल के और एक पेपर पसंद आया, वो पेपर में आपके खिलाफ में, अरे मेरा देश में मेरा लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर कुछ गलत न्यूज आया, ये सही है गलत है उसके ऊपर इंक्वायरी करो, उसके ऊपर आप पेपर के ऊपर एक्शन लो अगर गलत है बोल के उसका घर को गई, उसको दिल्ली में ब्लिट्ज नहीं मिल रहा बोले तो मैं हैदराबाद से ब्लिट्ज खरीद के सोनिया जी का घर में ही रह रहा, राहुल जी मां के साथ बोले तो उसका घर को जाके उसको रिप्रेजेंटेशन दे के आया। आई ओफर दैन एक्शन।